तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। अभी जो है दिवाली का त्यौहार आ रहा है, तो इस त्यौहार पर आप एक बार इस तरीके से मटर पनीर की सब्जी जरूर बनाना। बहुत ही ज्यादा टेस्टी सब्जी बनती है ये, और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने घर पे बनाया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा इसका स्वाद आएगा। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर, और इसमें मैंने डाल दिया है एक चम्मच तेल। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच जीरा। इसी के साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच से थोड़ा कम साबुत धनिया। तो इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा जीरा जो है अच्छे से भून चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे तीन कटे हुए प्याज। प्याज को मैंने इस तरीके से लंबे साइज में काटा है, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और प्याज का भी हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे भून लेंगे हम। तो ये देखिए प्याज भी हमारा हल्का सा कलर चेंज हो गया है प्याज का। तो यहाँ पे अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। यहाँ पे मैंने पांच हरी मिर्च और एक टुकड़ा अदरक को मोमदस्ते में कद्दूकस कर लिया है, तो ये डाल दिया है इसमें। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हरी मिर्च को भी पका लेंगे हम प्याज के साथ में। 2 मिनट तक मैंने इसे भी अच्छे से पका लिया है, और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 काट करके टमाटर डाल दिए हैं इसमें। टमाटर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच यहाँ पे नमक। नमक यहाँ पे मैंने पहले डाला है ताकि हमारे टमाटर जो है अच्छे से पक जाए। तो नमक को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी के साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच के करीब इसमें कसूरी मेथी डाला है, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप इसमें जरूर डालें इसे। तो आप देख सकते हो टमाटर भी हमारा अच्छे से पक चुके हैं। यहाँ पे हाई फ्लेम पर मैंने टमाटर को अच्छे से पका लिया है गलने तक। तो अब हम इसमें डाल देंगे बाकी के बचे हुए मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है धनिया पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है हल्दी पाउडर। तो ये मसाला डाल देंगे हम इसमें। मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो यहाँ पे बिल्कुल छोटा कप के करीब इसमें पानी डालेंगे हम, और मसाले को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब जो है हम मसाले को अच्छे से पकाएंगे मसाले से तेल अलग होने तक। हमारे मसाला जो है अच्छे से पक चुका है, मसाले से तेल अलग हो गया है। तो अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ, यहाँ पे मैंने 2 गांठ लहसुन को छिल करके दरदरा सा पेस्ट बना लिया है मोमदस्ते में, तो ये डाल दिया है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लहसुन का थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो कम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे लहसुन को मैंने 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर और पका लिया है, और ये हमारा लहसुन जो है अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी आप आपके हिसाब से डाल सकते हो, यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर के करीब इसमें पानी डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। तो ये देखिए हमारी सब्जी में उबाल आ गया है। सब्जी में उबाल आने के बाद में ही बाकी की सारी चीजें डालेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैंने जो सफल मटर है उसको मैंने पानी में डाल करके रखा है 5 मिनट के लिए, तो ये सफल मटर डाल देंगे हम इसमें। इसी के साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 पैकेट यहाँ पे मैंने लिया है पनीर। तो ये पनीर डाल दिया है मैंने इसमें, इसको इस तरीके से बड़े टुकड़ों में काटा है मैंने। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम सारी चीजों को, और अब जो है पनीर को अच्छे से पका लेंगे हम। देखो जो है 4 मिनट तक और पका लिया है, और 4 मिनट बाद में इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच से थोड़ा कम गरम मसाला। गरम मसाला को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी बहुत ज्यादा टेस्टी मटर पनीर की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है ये, और इसे बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।